हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान के मंडियों में सोयाबीन के भाव 17 मार्च 2020 को क्या देखने को मिली है। दोस्तों आज है 18 मार्च 2020 और आज की वीडियो में भी जानने वाले हैं सोयाबीन के भाव के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आप लाइक करना भूल जाते हैं और दोस्तों आप लोग वीडियो भावनाओं में खो जाते हैं। तो चल दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे और उस जानकारी का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्वालिटी अनुसार क्या भाव रहे इन मंडियों में। तो दोस्तों बरन मंडी की बात करो तो 2730 रुपये से लेकर दोस्तों 3545 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों आवक की बात करो तो 30 टन देखने को मिली है। अत्रु मंडी की बात करो 3000 से लेकर दोस्तों 3920 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 35 टन देखने को मिली है। जैसा कि दोस्तों कल भी मंडियाँ 100 रुपये से 150 रुपये तेजी में थी, आज थोड़ा कमती देखने को मिल रही है। अंटा मंडी की बात करो दोस्तों 3200 से 3670 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 40 टन देखने को मिली है। छाबरा मंडी की बात करो तो 3300 से लेकर दोस्तों 3700 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 20 टन देखने को मिली है। निम्बा हेड़ा मंडी की बात करो दोस्तों 3400 से लेकर दोस्तों 3820 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 50 टन देखने को मिली है। बद्री सदरी मंडी की बात करो तो 3050 रुपये से लेकर दोस्तों 3750 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 50 टन देखने को मिली है। फतेहनगर मंडी की बात करो 3000 से लेकर 3750 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 30 टन देखने को मिली है। कोटा मंडी की बात करें तो 2720 रुपये से लेकर 3800 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 45 टन देखने को मिली है। इटावा मंडी की बात करें तो 3100 से लेकर दोस्तों 3720 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की दोस्तों बात करें तो आवक यहाँ पे 45 टन देखने को मिली है। प्रतापगढ़ मंडी की बात करें तो 3400 से लेकर दोस्तों 3850 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 55 टन देखने को मिली है। सवाई माधोपुर मंडी की बात करो तो 3210 रुपये से लेकर दोस्तों 3850 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पर 65 टन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और उस जानकारी का लाभ उठा सके। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को शेयर भी करिए। और दोस्तों आप कौन से ज़िले से हैं और वो भी दोस्तों इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सी जानकारी हम देने से पहले दोस्तों फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाना जरूरी होता है दोस्तों, कि उससे जानकारी विश्वास के साथ मिल सके। तो चलो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।